लाइट कैमरा रोलिंग एक्शन। হ্যালো এভরিবডি, কেমন আছো সবাই তোমরা? আশা করি ভালো আছো অ্যান্ড সুস্থ আছো। দিস ইজ প্রিথেশ অ্যান্ড ইউ ওয়াচিং মাই ইউটিউব চ্যানেল ফ্লেভার্স বাই প্রিথেশ। আজ মে ব্লগ করতে वाला हूं एक ढाबा का, उसका नाम है तंदूर गार्डन। यू नो व्हाट, मैं जब अपना मामा का घर में जाता था, दिस इज पहले बता देता हूँ, ये कालना रोड है। ओके, तो टूवर्ड्स कालना जब जाता हूँ ना, तो मामा का घर है मेरा कालना में, तो मैं यहाँ पर बहुत ढेर सारा अगल बगल में बहुत सारा ढाबेज है। ढाबा है एनीवेज। सो बहुत सारा ढाबा है यहाँ पर अगल बगल में, तो ये ढाबा मुझे बहुत बढ़िया लगा यार। ज़्यादा आप लोग का बकवासबाजी नहीं करके आप लोग को खाना दिखाता हूँ, जैसे कि हर ब्लॉग में आप लोग का फूड ब्लॉग लेके आता हूँ और अच्छा अच्छा खाना दिखाता हूँ। यहाँ का गार्डन भी बहुत अच्छा है। दिस इज़ नॉट ओनली तंदूर गार्डन नाम है, यहाँ पर एक्चुअली खटिया में बैठ के भी आप लोग खा सकते हो, गार्डन का मजा ले सकते हो। एंड देन लवली, बहुत गर्मी है, अंदर चलते हैं अभी तंदूर गार्डन। आइए, अरे वाह, तो देखो कब से ये लोग, अच्छा दिस इज नॉट रियल, इसको शायद लाइट्स भी लगाया हुआ है, रात में लाइट भी जलेगा। नाइस डेकोरेशन, इंटीरियर बहुत ही अच्छा है। अभी ये डिश आ गया, चिकन अबू चिली कबाब। ऑलराइट, सो ये डिश देखो कितना अच्छा से गार्निश किया हुआ है। दिस इज़ टोमेटो, एंड टोमेटो में वो कैंडल दिया है, दिस इज़ सो लुकिंग सो गुड। चिप्स इज हियर, क्यूकम्बर, कैरेट, अनियन, एंड ये हरी हरी कबाब जैसे ही दिख रहा है। एंड इसमें गार्निश किया हुआ है पीनट्स विथ खोवा, जो मिठाई में होता है ना ये खोवा। नाइस। सो आज तो मदर्स डे है, हैप्पी मदर्स डे टू ईच एंड एवरीबडी। और हैप्पी मदर्स डे में मैं ही कैंडल थोड़ा सा ग्लो कर देता हूँ। ये हैप्पी मदर्स डे। ऑलराइट, आई विल जस्ट टेक वन, आई विल टेस्ट। एंड दिस इज ग्रीन चटनी। नाइस, पीनट्स के लिए और भी अच्छा लग रहा है। इट्स वेरी सॉफ्ट एक्चुअली, एंड इट हैज़ अ स्मोकी फ्लेवर। अब नेम ऑफ दिस डिश इज चिकन अबू चिली कबाब, लेकिन ट्रस्ट मी ये कोई भी खा सकता है। किड कैन ऑल्सो हैव दिस, कोई भी, अगर आप लोग तीखा नहीं खाते हो तब भी आप लोग खा सकते हो, खाली नाम पे ही है चिली। बट अगेन इट्स गुड, इट्स सो गुड। मेन्यू कार्ड पॉज करके, ये मेन्यू कार्ड है, पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? और मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। एंड दिस प्राइस इज़ 269 ओनली। ऑलराइट, इट हैज़ 6 पीसेस, एक खा लिया मैंने। ऑलराइट गाइस, हड़क भड़ा कबाब इज हियर। थोड़ा सा वेज हो जाए, सोचा हर टाइम फिश और चिकन क्यों, इस बार थोड़ा सा वेज भी खा लेता हूँ। और हरा भरा कबाब इज गार्निश्ड विद, ब्यूटीफुली गार्निश्ड विद, दिस इज़ अगेन टोमेटो, दे हैव मेड अ शेप ऑफ रोज, दिस इज़ क्यूकम्बर, दिस इज़ चिप्स, या हरा भरा कबाब, एंड दिस इज़ मिंट लिव।
एंड ओ सॉरी गिर गया एंड दिस इज हरा चटनी राइट आई विल टेक वन फ्रॉम हियर टेक वन चिप्स यार हाथ से ही खाता हूँ यार बहुत हो गया चम्मच इट्स टू क्रिस्पी आई थिंक ना उसके अंदर जो स्टफिंग है ना स्टफिंग ये पीनट्स तो है ग्रीन वाला मुझे लगता है पीज है आई जस्ट आस्क हिम ये मतलब ये हरा भरा कबाब में जो अंदर जो स्टफिंग है ये क्या है स्टफिंग है आपका ग्रीन पीस प्लस आपका स्पिनच एंड आपका पीनट तीनों का मैरिनेशन करके इसको बनाया हुआ है बहुत मतलब एवरीवन कैन हैव दिस एवरीवन कैन हैव दैट बहुत क्रिस्पी भी है मतलब आप लोग अगर खाना चाहते हो ना तो फटाफट आके खा लेना पड़ेगा वो ठंडा हो जाना चाहिए अच्छा नहीं लगेगा थैंक यू सो वेरी मच आप लोगों का मेन कोर्स में क्या क्या अच्छा है मतलब आपका देखिए चिकन में आपका है चिकन वाटर मसाला और आपका अगर मटन चाहिए तो मटन का मटन ड्रैगन जो स्पेशल हम लोग के इधर स्पेशल है और भी है बिरयानी मटन बिरयानी चिकन बिरयानी ओके सो अभी मेन कोर्स ऑर्डर करेंगे और आप लोग को मेन कोर्स भी दिखाएंगे ऑलराइट श्योर श्योर तंदूरी चिकन बटर मसाला वो गार्निश किया है ऊपर वाइट क्रीम से एंड यू नो व्हाट वो दो स्टार्टर खा के ना पूरा पेट भर गया था सो आई टोल्ड देम टू वेट फॉर सम टाइम एंड देन सर्व फॉर द मेन कोर्स राइट सो मेन कोर्स तो आ ही गया है सो आई विल टेस्ट इट एंड आई विल टेल यू तंदूरी चिकन बटर मसाला कैसा है नॉर्मल चिकन बटर मसाला आई होप यू गाइस हैव ऑलरेडी हैड नॉर्मल वन सो दिस इज तंदूर चिकन अच्छा फोर पीसेस मैं लेग वाला ले रहा हूँ एंड देन आई विल जस्ट ट्राई अच्छा आप लोग में से किसको भी इसको बटर मसाला आई मीन बटर नान अच्छा लगता है डू टेल मी डू कमेंट ऑन माई कमेंट सेक्शन राइट बहुत गर्म है यार बटर नान इज गुड बहुत बटर है इसमें मेरा हिसाब से बहुत बटर है मैं बटर बहुत कम खाता हूँ आप लोग का हिसाब से शायद बटर कम हो लेकिन एकदम प्रॉपर है ऑलराइट और आई जस्ट टेस्ट दिस करी मीडियम स्पाइसी है कोई भी खा सकता है अगेन कोई भी खा सकता है कोई बच्चा भी खा लेगा या मेरे पापा को भी देंगे तो पापा आराम से खा लेंगे मेरे पापा ज़्यादा तीखा नहीं खाते सो सबके लिए मैं बता रहा हूँ अच्छा है आई जस्ट सी आई टेस्ट द चिकन नाउ चिकन इज़ एक्चुअली वेरी सॉफ्ट और यू नो इसका खासियत क्या है तंदूरी चिकन है पहले चिकन को तंदूर किया है एंड देन उसको बटर मसाला के साथ प्रिपेयर किया है एंड देन दे हैव सर्व्ड अस सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ तंदूरी चिकन एंड चिकन बटर मसाला यू नो सो दिस इज़ द रीज़न इट्स टेस्ट सो यमी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो किसको अच्छा लगता है तंदूरी बटर मसाला चिकन ऑलराइट देखो इतना अच्छा लग रहा था इधर उधर से गिर रहा है एकदम लव यू सीरियसली आफ्टर हैविंग हैवी लंच ना ये स्वीट लाइम सोडा डू हैव ये है ना बहुत डाइजेस्ट करने में मदद करता है एनी वेज फूड क्वालिटी वॉज टू गुड एम्बियंस यू कैन सी इट्स ऑसम एक ढाबा यू नो ऑन दी वे टू कालना रोड में ढाबा इतना अच्छा फूड क्वालिटी तो बहुत ही बढ़िया था एंड दिस एम्बियंस इज सो गुड एंड कालना रोड में इतना अच्छा ढाबा मिलेगा आपको एंड यू नो व्हाट द इंटीरियर इज लाइक रेस्टोरेंट सो दिस इज रेस्टोरेंट कम ढाबा यू कैन से
मतलब कोलकाता में नहीं भी रह के आउटसाइड ऑफ कोलकाता आके भी कोलकाता का एक रेस्टोरेंट का फीलिंग्स आ रहा है. दिस इज़ सो गुड. चलो आज क्या अभी क्या करते हैं, अभी यहाँ का कोई ओनर तो नहीं है, मैनेजर या किसी से बात करते हैं जो हम लोग का इसका कुछ यू नो बता पाए जो ये कब ओपन हुआ था. एंड ऑल ऑफ अ सडन इतना अच्छा अच्छा ढाबा यहाँ पर यू नो रोड साइड्स है, तो जाके पूछते हैं. चलो सो चलिए कुछ बात कर लेते हैं. यहाँ कब खुला है एंड ओपन, दिस इज बंगाली में वो बोले हैं, पहले डिस्क्लेमर धीरे धीरे बंगाली में बोलेंगे. दे ऑब्वियसली लाइक मेरा चैनल में मैं बंगाली में भी बात करता हूँ, मैंने बांग्ला वो कथा बोली, हिंदी तेव कथा बोली एंड इंग्लिश कथा बोली. वर्सेटाइल ब्लॉग्स जरकम हमें करी एंड वर्सेटाइल लैंग्वेजों हमें यूज करी. सो अपना नाम कि? नमस्कार, हमार नाम सौम्यदीप मंडल, हमें एखने अपना ओपनिंग थे आज. এটা আপনার 23 ডিসেম্বর ওপেনিং হয়েছে. আমাদের এখানে আপনার মোটামুটি ইন্ডিয়ান চাইনিজ তন্দুর এবং মকটেলস সব কিছুই অ্যাভেলেবেল আছে. যা হোক আমাদের জায়গাটার নাম তন্দুর গার্ডেন, নিয়ার স্টেশন আপনার ভদ্রেশ্বর. সকল আমার মানে আপনার ইউটিউব চ্যানেলে যারা আছেন সবাইকে বলবো এখানে আসতে, খাবার টেস্ট করতে. খাবারটা তো অবশ্যই ভালো লাগবে, আপনারাও খেলেন অবশ্যই ভালো লাগলো. একদম খাবার একদম খুবই ভালো ছিল, ডিলিশিয়াস ছিল. আর ওইটাই আমি আমার অডিয়েন্সদেরকে বলছিলাম, মানে ভিউয়ার্সদেরকে বলছিলাম যে আপনাদের এই যে ভেতরে অম্বিয়েন্সটা আছে না, এই অম্বিয়েন্সটা ইটস লাইক ইউনো আই ফিল লাইক দ্যাট আমি কলকাতার মধ্যে বসে আছি. মানে দিস ইজ নট পিওর ধাবা, দিস ইজ রেস্টুরেন্ট কাম ধাবা. মানে রেস্টুরেন্টেরও ফিল পেয়ে যাচ্ছি আর একটা ধাবা বাইরে এত সুন্দর খাটিয়া লাইক ইউনো যখন আপনারা যদি ইচ্ছা করেন, লাইক যদি ইচ্ছা করে আপ লোক আগর মন করতা হ্যাঁ বাহার ব্যাঠনে কা তো সো ইউ গাইজ ক্যান সেট আউট দেয়ার খাটিয়া মে. অ্যান্ড উইন্টার মে বহুত আচ্ছা লাগতা আর গরমে কা গরমের সময় সন্ধ্যেবেলায় ঠান্ডা ঠান্ডা থাকে. অ্যাকচুয়ালি আমাদের সন্ধ্যাবেলায় ক্রাউডটা বেশি হয় দিনের বেলার থেকে, এখন তো গরমের দিন চলছে আপনার, সন্ধ্যাবেলা ক্রাউডটা বেশি থাকে. আর ভিতরে তো এসির ব্যবস্থা আছে আর বাইরেটা খাটিয়ার ব্যবস্থা আছে, প্রকৃতির হাওয়া আর ভিতরটা এসির হাওয়া, মোটামুটি মিলিয়ে সব রকম ব্যবস্থা করা যেতে পারে, সব কিছুই হয়ে যাবে এখানে এলে. আমাদের তরফ থেকে যতটা আপনার খাওয়া দাওয়ার দিক থেকে প্ল্যান দেওয়ার দিয়ে দেবো, কী খাবেন না খাবেন সব কিছুই বলে দেবো. ওভারঅল ইটস আ মডার্ন ক্যাফে, ডু কাম ভিজিট অ্যান্ড হি হ্যাজ ইনভাইটেড ইউ গাইজ সো সুইটলি, সিরিয়াসলি থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ. অলরাইট গাইজ, সো ইটস টাইম টু এন্ড দিস ব্লগ টুডে. एंड प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो आज का ये फूड ब्लॉग, ये ढाबा वाला ब्लॉग कैसे लगा. एंड तंदूर गार्डन इज़ एक्चुअली वेरी गुड, इतना अच्छा लगा खाना भी, फूड क्वालिटी ईच एंड एवरी फूड वेर डिलीशियस यमी, आप लोग ज़रूर आइएगा. अच्छा मैं पिन डिस्क्रिप्शन में मैं एड्रेस पिन कर दूँगा, तो आप लोग आराम से यू नो यू कैन फाइंड इट आउट इन गूगल मैप. ऑलराइट, सो आप लोग का ढेर सारा प्यार लेके मैं इस व्लॉग को अभी एंड करता हूँ. सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग, लव यू ऑल एंड गिव मी अ हग. तंदूर चिकन और उसको बटर बटर. आई जस्ट हैड माई लंच एंड इट वॉज सो गुड, डिलीशियस फूड. एक सेकेंड दादा, म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक.